मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम एक मुहिम तैयार किए हैं कि बोर्ड में नंबर कैसे लाए। मुहिम छेड़ दिए हैं, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो। तो हम बिहार बोर्ड का अलग से लेक्चर तैयार किए हैं और CBSE का अलग से, कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कैसे बनाएं और टॉपिक वाइज हम लेके चलेंगे। जैसे NCERT के हिसाब से पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इस टॉपिक पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होगा CBSE के अनुसार, जो आने वाले एग्जाम में भी आएगा और पीछे आ चुका है। मतलब हम लोग को ऐसा करना है कि 95% प्लस लाना है बोर्ड में, एकदम लाना है, चाहे जितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े। बाबू, आपका अपना चैनल, सुंदर सा चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है? और हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम CBSE और बिहार बोर्ड का, ऐसे तो आप सब बोर्ड के लिए देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत डिटेल से NCERT का एक एक लाइन लिया हूँ अपने लेक्चर में, हर पॉइंट को डिटेल से बताया हूँ, विजुलाइज करवाया हूँ। कहीं ऐसा कोई बात नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ, एक पॉइंट भी नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। फिर हम एक और क्लास रखेंगे इस इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड पे, जिसका नाम होगा मेमोरी मैप। उसमें हम पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे और एक जगह फार्मूला बताएंगे कैसे दिमाग में रखें। रटना नहीं है, रटना नहीं है, विजुलाइज करना है। फिजिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, फिजिक्स लिखना नहीं है, फिजिक्स समझना नहीं है, फिजिक्स फील करना है, फिजिक्स से प्यार करना है। तो अब देख लो यार, आज जो समय है और मुझे 2021 में क्या करना है, क्या हम 70% ला के घर में बैठे रहें? नॉलेज भी हासिल करना है और टॉपर भी बनना है। ऐसा नंबर लाओ बोर्ड में कि दुनिया देखते रह जाए, लोग अचंभित हो जाए, आश्चर्य करे कि क्या ये बंदा 95% ला सकता है। मीडिया चारों तरफ से तुम्हें घेर ले, तुम सेलिब्रिटी बन जाओ एक दिन में, इतना नंबर लाओ। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जो बोर्ड का पैटर्न है, चाहे CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, उस पर काम करना पड़ेगा। कैसे आंसर देना है, कैसे लिखना है, वहाँ मेंटलिटी क्या होना चाहिए, है ना? लिखने का तरीका हम बताएंगे और जितना लेक्चर होगा उतना मैं बनाऊंगा, क्लियर? चलिए, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट मेरे हाथ में है, ये हमारा ऐप, हम सबका ऐप आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे डाल दिया जाएगा आज शाम में 6 बजे के बाद, मतलब लेक्चर के बाद डाल दिया जाएगा, क्लियर? तो मैं जितना डिस्कस करूँगा उसको आप देख लेना है, तरीका सीख लेना है, उसके बाद खुद से बनाना है। क्यों? क्योंकि हम तो लेक्चर पहले ही बता दिए हैं और टॉपिक वाइज दिए हैं। जैसे मान लो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड में पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में वेरी शॉर्ट आंसर क्या पूछा गया, CBSE एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्या पूछा गया, लॉन्ग आंसर क्या पूछा गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ, यानी हर टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन है। ब्रेकेट में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस ईयर में पूछा गया है, मतलब सीक्वेंस वाइज अच्छे से है, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और ये जो हम शुरू किए हैं, ये मेरा प्रयास कैसा रहेगा या कैसा है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए ताकि मेरा हिम्मत बढ़े। तो देखो, कूलम्स लॉ पे वेरी शॉर्ट आंसर है, एक नंबर का, ऑल इंडिया 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -Q and 3Q। तो मान लो पहला क्वेश्चन हम लिए, मान लो एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, एक पे चार्ज है -Q, दूसरे पे चार्ज है +3Q, क्लियर? दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को नज़दीक लाया गया, ठीक है? और नज़दीक लाने के बाद दोनों बॉडी को डी डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो जब चार्ज को नज़दीक लाते हैं, तो मैं आपको पढ़ाया था ना कूलम्स लॉ में, जो टोटल चार्ज ऑन ईच बॉल होगा, देखो CBSE में एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में लिख के लिखेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज़ को लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना? टोटल चार्ज ऑन ईच बॉल, तो दोनों चार्ज को जोड़ दो, नंबर ऑफ चार्जेज, मतलब सम ऑफ चार्जेज, क्या फार्मूला, सम ऑफ चार्जेस बाई नंबर ऑफ बॉडी,
जब बॉडी को कांटेक्ट में लाइएगा तो बॉडी पे जो चार्ज होगा उसका फॉर्मूला हम पहले भी बता दिए कूलम्स लॉ के लेक्चर में, सम ऑफ चार्जेस बाय नंबर ऑफ बॉडी। तो सम ऑफ चार्जेस पहला बॉडी पे, पहला बॉल पे माइनस क्यू, दूसरा बॉल पे प्लस थ्री क्यू, बाय दो बॉडी है तो दो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस थ्री, थ्री क्यू टू क्यू बाई टू, दो से दो कट जाएगा क्यू, यानी अब दोनों बॉडी पे चार्ज हो जाएगा क्यू क्यू। तो बोला है कि जब दोनों बॉडी पे चार्ज अब क्यू क्यू है और बीच का डिस्टेंस सेपरेशन डी है, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स। तो यहाँ पे कूलम फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, और जानते हो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नेचर ऑफ कूलम फोर्स या कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, नेचर ऑफ कूलम फोर्स है ना, रिपल्सिव हो जाएगा ऐसे करके लिखेंगे, रिपल्सिव फोर्स। ये नहीं कि डायरेक्ट बना दिए, डायग्राम नहीं बनाए, जो मन में आ रहा है डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या होने वाला आगे उसको दिखाएंगे, फिर लैंग्वेज में लिखेंगे आप, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है कि चट क्वेश्चन पॉट आंसर, लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है समझ में, बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q। चलो दो बॉल ले लेते हैं, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब किसी सपोर्ट से दो चार्ज बॉल को लटकाया गया है ना, मान लो ना सेलिंग है और सेलिंग के सेलिंग में स्ट्रिंग बंधा हुआ है और उससे बॉल लटका हुआ है। What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? Clear? बोला है कि दोनों बॉल के बीच में अगर हम प्लास्टिक सीट रख दें है ना, कोई इंसुलेटर रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सोचो, फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया 2014 का है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r square है ना, सेलिंग से या किसी सस्पेंशन पॉइंट से स्ट्रिंग के हेल्प से दो चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉल लटका हुआ है, स्वाभाविक है दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, क्लियर। मान लो ना डायग्राम ऐसे होगा, अब शुरू में तो ऐसा नहीं ना होगा, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये वाला इसको दाएं रिपेल करेगा, ये वाला इसको बाएं रिपेल करेगा। अरे ये ऐसा क्या हुआ, पहले ऐसा लटका होगा, मान लो पहले ऐसा लटका होगा, दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ये फाइनल हो गया, इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, तो बोलो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ऐसा ना फिगर बन जाएगा। शुरू में तुम लटका दिया दो चार्ज बॉडी को, तो दोनों एक दूसरे को धकेला, रिपेल किया, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, क्लियर। चलो तो ये कब का फोर्स है, जब दोनों चार्ज बॉडी के बीच में या तो एयर हो या वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, कुछ ना हो। चलो अब दोनों के बीच में हम कोई प्लास्टिक सीट रख देते हैं, ठीक है, मान लो प्लास्टिक सीट रख दिए, कोई इंसुलेटर रख दिए, क्लियर, इंसुलेटर ग्रुप में यहाँ पे प्लास्टिक सीट है, ठीक है। चलो अब सोचो फोर्स इन अ मीडियम क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r square। ε0 कहाँ लगाते हैं, जब दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो एयर हो या वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो, और ε0 तब लिखते हैं जब दो चार्ज बॉडी के बीच में कोई मीडियम हो, ग्लास हो, पानी हो, कोई प्लास्टिक सीट हो, क्लियर। अब सोचो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तीसरा नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, क्लियर। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ε/ε0, रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ε क्या हो जाएगा, ε/r/ε0, क्लियर। तो फोर्स इन अ मीडियम 1/4πε0 के जगह क्या डालेंगे, ε/r/ε0 Q1 Q2 by r square। अब सोचो फोर्स इन वैक्यूम क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 by r square। यहाँ देखो ध्यान से, 1/4πε0 Q1 Q2 by r square के जगह फोर्स इन वैक्यूम या फ्री स्पेस रख सकते हैं,
तो नीचे बचा कौन चीज, एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से देखो, फोर्स इन एनी मीडियम, दो चार्ज बॉडी के बीच में कुछ भी रख दो, है ना, इंसुलेटर हो या कोई और मीडियम हो, तो क्या आ गया यहाँ से, फोर्स इन वैक्यूम बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो भी मीडियम रखे उसका रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। जैसे दो चार्ज बॉडी को के बीच में हम मतलब दो चार्ज बॉडी को पानी के अंदर ले गए, तो पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, 81। ग्लास के अंदर ले गए, ग्लास का परमिटिविटी 5 या 6 रिलेटिव परमिटिविटी, पर आया ना कूलम्स लॉ के लेक्चर में, क्लियर। तो ऐसे भी इंसुलेटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो सोचो प्लास्टिक सीट रखने से क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, क्योंकि फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा लैंग्वेज, व्हेन वी प्लेस प्लास्टिक सीट इन बिटवीन द चार्जेस देन फोर्स इज डिक्रीजेज, है ना, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे अच्छे से, समझ गया ना, व्हेन प्लास्टिक सीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्जेस देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीजेज एज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस 1/r². बोला है दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स और उसके बीच के सेपरेशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट कीजिए, ग्राफ को दर्शाइए, क्लियर। तो देखिए ध्यान से क्या है, ग्राफ को दिखाना है, ठीक है, और उसमें दो पेयर ऑफ चार्ज है। ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर एक कूलम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स क्या होता है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1/4π0 q1 q2/r². तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, आप जानते ही हो कूलम्स लॉ में, दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है ना, कोई भी दो चार्ज बॉडी है q1 q2 दोनों पे प्लस प्लस चार्ज हो या दोनों पे प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो, बीच का सेपरेशन है r, क्लियर। अब सिंपल सोचो, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना बढ़ेगा। जैसे मान लो इस पे 5 कूलम चार्ज है और इस पे 6 कूलम चार्ज है, क्लियर। अब 50 हो गया, 60 हो गया, तो फोर्स बढ़ेगा, इधर 500 कूलम इधर 600 कूलम फोर्स बढ़ेगा, इधर 5000 इधर 6000, या दोनों का चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, दोनों में से किसी एक का भी चार्ज बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, और दोनों का बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, यानी दो बॉडी पे जो चार्ज है अगर उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो भी फोर्स प्रभावित होगा, है ना। यानी फोर्स जो है वो बीच के सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है, और ये क्या होता है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज बॉडी के बीच की दूरी को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स घटेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं, मान लो दोनों के बीच का फोर्स हम आधा कर दिए, क्लियर। तो जब दोनों चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स डिस्टेंस हम आधा करेंगे तो फोर्स जो हो जाएगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर सिंपल सोचो, डिस्टेंस आर है तो फोर्स एफ, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस आर है तो फोर्स एफ, डिस्टेंस आधा तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। इस फॉर्मूला से देख लो, अगर डिस्टेंस r/2 हो जाएगा तो r/2 का स्क्वायर, r² / 4 ऊपर चला जाएगा, यानी डिस्टेंस आधा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, डिस्टेंस r/3 तो फोर्स 9 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे r/3 रखो तो r² / 9 ऊपर चला जाएगा। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r/4 कम कर दिए तो फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा सोचो, अगर डिस्टेंस हम 2 गुना बढ़ा दिए तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस अगर हम 3 गुना बढ़ा दिए तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा, क्लियर। यानी फोर्स जो है वो दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला, जो दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो डिस्टेंस से डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है, इन्वर्सली के रूप में, यानी फोर्स बढ़ाना है तो डिस्टेंस घटाओ, आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर।
अब सोचो अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ये हो गया फोर्स का लाइन, ये हो गया डिस्टेंस का लाइन, क्लियर। तो सिंपल सिंपल सोचो क्या होगा, अगर डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्लियर। हम किसी से प्यार करते हैं, वो मेरे जितना करीब रहता है उतना फोर्स लगता है, उतना इंटरैक्शन होता है दोनों चार्ज बॉडी के बीच में, और दूरी बढ़ती गई इंटरेक्शन कम होता गया, फोर्स घटता गया। इंटरेक्शन मतलब आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अगर दो बॉडी करीब है तो नफरत भी उतना ज़्यादा हो सकता है, प्यार भी उतना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर दूरी बढ़ गया तो भी कम हो जाएगा, नफरत भी कम हो जाएगा, प्यार भी कम हो जाएगा। देखो फिजिक्स क्या है, जो हमारे नेचुरल जीवन में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो दैनंदिनी जीवन में, वही यहाँ है। हम भी दो आदमी देखते हो एक जगह, अगर घर में बहुत आदमी जमा हो जाते हैं तो ढनढन होते रहता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो गया, लड़ाई पीट हो गया, दूरी बढ़ गया तो ऐसा नहीं होता है। अब सोचो फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा दो चार्ज बॉडी के बीच का तो फोर्स घटेगा। इसका मतलब है अगर दो चार्ज बॉडी एकदम क्लोज हो जाए, एकदम क्लोज हो जाए, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाए, तो अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर आर का वैल्यू हम जीरो रख दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखिए ध्यान से, अगर हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि देखो फोर्स इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे है तो डिस्टेंस जीरो के करीब हो रहा है, क्लियर। आप सोचो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो, तो डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। इस लाइन को ध्यान से देखो, अगर डिस्टेंस देखो, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, डिस्टेंस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, करीब आओ, किसके करीब आ रहा है, फोर्स जीरो के करीब आ रहा है। मतलब दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से इन्फिनाइट दूरी पे है, बहुत दूरी पे है, तो फोर्स जीरो होगा दोनों के बीच में। तो ये लाइन दोनों को दिखाता है कि फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्लियर। फोर्स इन्फिनिटी से, फोर्स इन्फिनिटी पे है तो देखो लाइन आर के करीब हो रहा है, मतलब आर जीरो हो रहा है, और आर इन्फिनिटी पे है तो फोर्स जीरो हो जाएगा। देखो लाइन कहाँ से करीब जा रहा है, लाइन एकदम ओरिजिन के करीब होते हुए जाएगा। हे 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 हे, क्लियर, समझ रहे हो ना बात। ऐसे भी सोच कर सकते हो या थोड़ा और अच्छे से। हाँ देखो फोर्स इन्फिनिटी है तो डिस्टेंस जीरो हो रहा है, फोर्स अगर इन्फिनिटी है तो डिस्टेंस के पैरेलल जा रहा है लाइन। सोचो अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, सोचो डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो लाइन पीछे लाओ, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में फोर्स और डिस्टेंस के बीच में नहीं बोल रहा है, एफ एंड वन बाई आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ बोल रहा है। तो जब भी ऐसा बोल दे किसी भी चैप्टर में तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये था डिटेल एनालिसिस, अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिटेल एनालिसिस क्यों करते हैं, देखो जब भी फोर्स और वन बाय आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ बोला है तो वन बाय कर देंगे ना तो डायरेक्टली हो जाएगा, अब इन्वर्सली का लेना देना नहीं है, तो लाइन डायरेक्टली होगा, है ना। क्यों, जिस रेट में डिस्टेंस घटा उसी रेट में फोर्स बढ़ा, जिस रेट में डिस्टेंस घटा उसी रेट में फोर्स बढ़ा, जिस रेट में डिस्टेंस बढ़ा उसी रेट में फोर्स घटा, वन बाय आर स्क्वायर ना, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रहेगा तब होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला लाइन, ये वाला लाइन होगा। लेकिन वन बाय आर स्क्वायर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ, अब सेंस हो गया कि जिस रेट से डिस्टेंस घटेगा उसी रेट से फोर्स बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि डिस्टेंस घटा कम और फोर्स बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस घटा कम और फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि डिस्टेंस घटा बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस बढ़ गया बहुत ज़्यादा, फोर्स बहुत कम हो गया। जिस रेट में, चलो ठीक है, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स घटता है, लेकिन बात तो यह है ना कि आधा डिस्टेंस होगा तो फोर्स चार गुना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा डिस्टेंस होगा तो फोर्स 18 गुना हो जाएगा, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का मीडियम एयर हो या फ्री स्पेस हो, तब अगर आधा होगा तो फोर्स चार गुना ही ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस आधा होगा तो फोर्स चार गुना ही बढ़ेगा, और डिस्टेंस दो गुना होगा तो फोर्स चार गुना ही कम होगा, ये तो फिक्स है, इसलिए लाइन स्ट्रेट होगा। तो ये जो लाइन है ये किसके कारण है, तो दे दो पेयर है 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम। अब सोचो
ये दोनों चार्ज तो प्लस है, तो फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव, रिपल्सिव। और एक पेयर है 2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम। अब ये निगेटिव है तो इसके दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। क्लियर? ये लाइन को हम ऊपर भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सोचो, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन रहे चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे, डिस्टेंस घटेगा तो ये दोनों बढ़ेगा, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 नंबर का, अब क्वेश्चन नंबर 4 है 5 नंबर का, मतलब कूलम्स लॉ पे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू इच आर केप 2 मीटर अपार्ट इन एयर। दो आइडेंटिकल चार्ज है। सोचिए 5 नंबर में पूछा है, क्यू क्यू दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर बोला है, और थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन बोला है, तीसरा चार्ज है क्यू जिसका मैग्नीट्यूड भी मालूम नहीं है, साइन भी मालूम नहीं है, मतलब प्लस है कि माइनस है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, बोला ये दोनों चार्ज जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, बोले थे ना कूलम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब चार्ज अलोंग द लाइन हो। क्लियर? मतलब अलोंग द लाइन का मतलब हो गया फोर्स इसके सेंटर से इसके सेंटर पे लगेगा। क्लियर? चलो, तो बोला है अलोंग द लाइन, यानी इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाना है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं और नहीं, मतलब ये दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स का जो लाइन होगा उसी लाइन पे चार्ज को कहीं रखना है। तो बोला है कैसे रखिएगा, प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज सच डैट द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ क्यू। मतलब इस क्यू चार्ज को इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहाँ रखिएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। अब बताना है इसका नेचर, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और कितना दूरी पर रखेंगे। अब सिंपल सोचो यार, पढ़ा चुके हैं कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव हो तो इस दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे तो फोर्स हमारा उस पर 0 होगा, और सोचिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एकदम मिडिल पॉइंट पे जितना फोर्स ये चार्ज लगाएगा इस मिडिल पॉइंट पे उतना ही फोर्स ये चार्ज लगाएगा। तो अगर हम मिडिल पॉइंट पे रखते हैं चार्ज को, इस चार्ज से मान लो एक्स दूरी पे, तो इस चार्ज से कितना दूरी पे हो जाएगा? 2 - x, क्योंकि दो टोटल दूरी है दोनों चार्ज के बीच का 2 मीटर। तो पहला चार्ज से एक्स दूरी पे, तो दूसरा चार्ज से 2 - x। अब यहाँ पे फोर्स 0 है, यानी जितना ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा उतना ही चार्ज ये इस पे फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा दाएं F, तो ये लगाएगा बाएं F। ये चार्ज इस चार्ज पे जितना फोर्स दाएं लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे बाएं लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना फोर्स ये दोनों के बीच में होगा उतना ही फोर्स ये दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स 1/4π0 q1 q2 r2। 1/4π0 की जगह क्यू ले सकते हैं, 1/4π0 की जगह के ले सकते हैं, तो के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर बाय, इधर से देखो के क्यू क्यू 2 - x का स्क्वायर, के से के गया क्यू से क्यू गया, ये 1/x² बराबर 1/2 - x का स्क्वायर। इसको पलटी मार दो, x² बराबर 2 - x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, x बराबर 2 - x, तो ये माइनस x इधर आके प्लस हो गया 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 बराबर 1 मीटर। क्लियर? तो बताओ q चार्ज का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव, नेचर भी पूछ रहा था, पॉजिटिव है। जानते हो निगेटिव भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर ये निगेटिव है तो सोचो ये वाला चार्ज इसको क्या करता? अपनी ओर खींचता, तो ये भी चार्ज अपनी ओर खींचता, फिर भी फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता, डायरेक्शन अपोजिट होता, तो फोर्स का नेचर पॉजिटिव एज वेल निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी इस चार्ज से अगर 1 मीटर की दूरी पे, एक बात और ध्यान से सुनो, अगर दोनों चार्ज इक्वल है और तीसरे चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, तो याद रखना अगर दोनों चार्ज इक्वल है तो एकदम मिडिल पे ही प्लेस करना होगा, एकदम मिडिल पे ही प्लेस करना होगा। क्लियर? एकदम ध्यान रखो, ओके। अब मान लो अगर दो चार्ज
नेचर में सेम हो, मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो बीच में कहीं भी, जैसे मान लो इस क्यू इधर है 2q, तो अगर हम तीसरे चार्ज को लाते हैं, अगर तीसरे चार्ज को लाते हैं तो बीच में ही रखेंगे। बीच में कहाँ पे? तो स्मॉल चार्ज के नज़दीक। बीच में कहाँ पे? स्मॉल चार्ज के नज़दीक। इस सब पे बाबू हम स्पेशल लेक्चर दे चुके हैं, आप जाइए देखिए कूलम्ब्स लॉ पे लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, तो सिर्फ न्यूमेरिकल बताए हैं ताकि आप न्यूमेरिकल में बहुत बेहतर हो जाए। क्लियर? और मान लो एक निगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे, दो चार्ज अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और नेचर में भी इक्वल है, तो तीसरे चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें कि उस पर फोर्स जीरो हो, एकदम बीच में। अगर दो चार्ज का नेचर सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो भी बीच में, लेकिन मिडिल में नहीं। कहाँ पे? तो स्मॉलर चार्ज के नज़दीक, इसके नज़दीक रखेंगे। इसके नज़दीक मान लो इसको रखेंगे एक्स दूरी पे, तो मान लो दोनों के बीच की दूरी डी है, तो इससे कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। अब दोनों के बीच में फोर्स लगा के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो स्मॉलर चार्ज के करीब रखेंगे, बताए थे ना। तो फाइनल क्या है याद रखेंगे, अगर दो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, नेचर भी सेम हो, तो एकदम बीचों बीच। दो चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, नेचर सेम हो, तो बीच में ही रखेंगे, स्मॉलर चार्ज के करीब रखेंगे। क्लियर? चलो, अगर दो चार्ज का नेचर भी अलग अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग, तो तीसरे चार्ज को हम कहाँ प्लेस करेंगे कि उस पर फोर्स जीरो होगा? स्मॉलर चार्ज के करीब। क्लियर? डिटेल के लिए आप लेक्चर में जाके देखिए, ठीक है? ओके, लेक्चर नंबर 7 में भी बताए हैं, लेक्चर नंबर 8 में भी हम चर्चा किए हैं, ठीक है? चलो, अब बाबू इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक एग्जाम में तो ना लगाना है, इसका तो हम आदित्य हॉट ट्रिक भी बताए हैं कि दो चार्ज बॉडी के बीच में तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि उस पर फोर्स जीरो हो। तो मान लो अगर वो डिस्टेंस एक्स निकालना है, तो पहले वाला डिस्टेंस को डी लिखो, रूट अंडर Q2 बाय Q1 प्लस 1, दोनों के बीच की दूरी पहले 2 था, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, प्लस 1, तो 2 बाय क्यू बाय क्यू कट जाएगा, 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1, ठीक है, 1 मीटर। ये मेरा आदित्य हॉट ट्रिक है, क्लियर? तो ये जो ट्रिक है ये कंपटीशन के लिए हो गया, एग्जाम में नहीं। क्लियर? चलो, 1 रूट के बाहर है, क्लियर? तो ये कंपटीशन के लिए हो गया, बोर्ड में नहीं लगाइए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन अब है, 5वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कूलम्ब्स लॉ पे इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्लियर? अब देखिए ध्यान से क्या है, बताओ सुपरपोजिशन बताए थे ना, अगर कि एक पॉइंट पे कोई चार्ज क्यों रखा हो और नंबर ऑफ चार्ज के द्वारा उस पर हमें कूलम्ब फोर्स निकालना है, तो यही सुपरपोजिशन कहलाता है। क्लियर? सिंपल सोचो ना, सुपरपोजिशन मतलब आपको 10 आदमी पकड़ के पीट दिया, मतलब एक पॉइंट पर डिफरेंट बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया गया, यही सुपरपोजिशन कहलाएगा। क्लियर? जैसे भीड़ में एक चोर को हजारों आदमी पीट रहा है, सुपरपोजिशन है ना। कहते हो ना, अरे फलाना के बहुत आदमी चुप दिया, सुपरपोजिशन है वो, है ना। चलिए, तो अगला है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का ही। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस Q1 Q2 Q1 विथ पोजिशन वेक्टर R1 R2 R3 RN, मतलब बहुत सारे चार्ज है, उसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, रिलेटिव टू सम ओरिजिन O। तो बोल रहा है आप एक्सप्रेशन निकालिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे, है ना, जिसका पोजिशन वेक्टर RP है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है। तो मान लो यहाँ से R2 पोजीशन वेक्टर पे Q2 चार्ज है और R1 पोजीशन वेक्टर पे Q1 चार्ज है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, और लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो 2015 में पूछा गया था फॉरेन वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। कौन एग्ज़ाम में? फॉरेन वाले एग्ज़ाम में, है ना। CBSE तो विदेशों में चलता है ना, CBSE सिर्फ भारत में एग्ज़ाम नहीं लेता है, दूसरे देशों में भी लेता है, ठीक है। तो लैंग्वेज में लिखेंगे, कंसीडर एन पॉइंट चार्जेस, कंसीडर एन पॉइंट चार्जेस, लिख दो Q1,
Q2, Q3, ... Q1 जानते हो, क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज तो क्वेश्चन से ही बन जाएगा. हैविंग पोजीशन वेक्टर Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, Q3 का R3, ... RN. क्लियर? चलो ये हो गया. मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे. सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं. मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो बताया थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, कि पी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं. टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका वैल्यू स्मॉल हो और वह पॉजिटिव हो. टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका वैल्यू स्मॉल हो पॉजिटिव हो, मतलब जांचने वाला चार्ज. यानी पी पॉइंट पे क्यू चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को लाएंगे तो ये इस पे फोर्स लगाया एफ, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड दे दो, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से. ओरिजिन से आर पोजिशन वैक्टर पर, किस पोजिशन वैक्टर पर, आर पोजिशन वैक्टर पे कोई पॉइंट पी लेंगे जहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे. आ सब यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना, ओरिजिन से आर पोजिशन वैक्टर पे कोई पॉइंट पी लिए जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखें. अब जैसे ही टेस्ट चार्ज रखे तो ये क्यू वन इधर फोर्स लगाया. क्लियर? या सिंपल सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स भी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा अवे. और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नेचर होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. तो मान लो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा. ये चार्ज इस पे इधर ही फोर्स लगाएगा तो इसका फील्ड ही इधर होगा. ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इधर ही फोर्स लगाएगा, इसका फील्ड भी इधर ही होगा. ठीक है, E2 ऐसे बता दिए थे ना, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दोनों चार्ज के द्वारा. इसके द्वारा भी अवे, इसके द्वारा भी अवे. तो Q1 के द्वारा E1, Q2 के द्वारा E2. अब बताओ ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा. तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू. अब देखो इस क्यू नॉट चार्ज पे इस चार्ज का फील्ड एक्स के लॉन्ग है, Q2 के द्वारा इधर है. तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है नहीं. अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो वेक्टर के अनुसार रिजल्टेंट बीचों बीच होता है. और जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहे तो एक को उठा के इस पे रखो, या तो E2 को उठाकर E1 पे रखो, या E1 को उठाकर E2 पे रखो. तो ऐसा रिजल्टेंट कुछ आएगा, ये हमारा होगा ई नेट. रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम. इस सम को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, याद करो, वेक्टर का रूट अंडर E1² E2² 2E1E2cos θ. ठीक है, चलो ये रिजल्टेंट का लाइन हो गया. और ये Q1 जो है वो ओरिजिन से R1 पोजीशन वेक्टर पे है, Q2 R2 पोजीशन वेक्टर पे, टेस्ट चार्ज R पोजीशन वेक्टर पे है. और तो ये हो जाएगा R1P, ये हो जाएगा R2P. टेस्ट चार्ज का इस चार्ज से पोजीशन वेक्टर R1P, टेस्ट चार्ज का इस चार्ज से पोजीशन वेक्टर R2P. क्लियर, समझ गए? चलिए, आता है ना वेक्टर. जानते हो जो मेन लेक्चर आप लोग उसमें वेक्टर भी बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं. जो लोग नहीं देखे हैं या जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ देख लीजिए ताकि ज़्यादा मज़ा आए. आप सिंपल सोचो ना, यहाँ से यहाँ R1P कैसे लिखे. तो ये चार्ज ओरिजिन से R1 दूरी पे है और ये यहाँ से P पॉइंट पे है. तो Q1 से Q0 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो P के रिस्पेक्ट में होगा R1P. यानी R1P जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट है फ्रॉम Q1. R2P क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट फ्रॉम Q2. चलो अब मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट निकालना है. सिंपल सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स को क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड देते हैं. इस Q1 के द्वारा इस Q0 पे जो फोर्स होगा वो फोर्स का नाम हम अगर F1 देते हैं तो F1 by Q0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1.
और इस Q2 के द्वारा इस P पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो अगर हम F2 नाम देते हैं तो F2 by Q0। कहीं भी अगर आपको टेस्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे, मुझे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज ले आइए और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड दे दीजिए, निकल जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, वन बाई फोर पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन बाई आर वन पी का स्क्वायर। क्लियर? तो फोर्स निकालने का यहाँ पे जरूरत है नहीं, सीधे फील्ड निकाल लेंगे क्योंकि फील्ड निकालने का फॉर्मूला मालूम है। क्लियर? चलिए अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू वन, ठीक है, तो उसका नाम ई वन दे देते हैं। तो ई वन क्या हो जाता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई, यानी क्यू वन से पी पॉइंट कितना दूरी पे है, आर वन पी, तो आर वन पी का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर वन पी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, क्योंकि Q1 से ये Q0 चार्ज R1P दूरी पे है, अगर हम इसको R1P रखे हैं तो R1P का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी Q1 से Q0 के बीच का जो सेपरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और फील्ड इसी लाइन के लॉन्ग है, इसी वेक्टर के लॉन्ग है, इसी पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग है, तो यहाँ पे R1P यानी यूनिट वेक्टर R1P इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सिमिलरली कौन लर्ली, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू टू, ड्यू टू चार्ज क्यू टू, तो क्या हो जाएगा ई टू, यानी पी पॉइंट पे क्यू टू के द्वारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई टू। फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज पे, मतलब फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज के द्वारा, अगर कोई चार्ज Q है इससे r डिस्टेंस पे, अगर कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। क्लियर? सिंपल। तो E2 के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई डिस्टेंस कितना है R2P, या डिस्प्लेसमेंट भी R2P है, और डिस्प्लेसमेंट है तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया। क्लियर? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकल जाएगा और आर टू पी यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन निकल जाएगा। जैसे क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रूप में लिख दिए। तो अगर यहाँ वेक्टर लग जाएगा तो यहाँ पे आर कैप लग जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पी पॉइंट पे ये मैग्नीट्यूड के रूप में होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर कैप के लॉन्ग होगा, आर यूनिट वेक्टर के लॉन्ग होगा। फोर्स ऐसे लग रहा है जिधर ये आर वेक्टर है, जिधर पोजीशन वेक्टर है, जिधर डिस्टेंस है। क्लियर? यानी यहाँ पे सेपरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो पाँच नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा बाबू, अच्छे से डायग्राम बना के लिखना है, दोनों को जोड़ दो तो नेट फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जोड़ते कब है, सुपरपोजिशन के कारण है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बाय सुपरपोजिशन के द्वारा, बाय सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट तब निकालते हैं जब सुपरपोजिशन वाला लॉ हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सम ई वन प्लस ई टू। अब दोनों को जोड़ोगे तो एक चीज़ कॉमन हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर में क्या हो जाएगा, क्यू वन बाई आर वन पी का स्क्वायर आर वन पी यूनिट वेक्टर प्लस क्यू टू बाई आर टू पी का स्क्वायर आर टू पी का स्क्वायर आर टू पी यूनिट वेक्टर। और ऐसे ऐसा बहुत सारा चार्ज ले सकते हैं डॉट 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 ई एन, हम सिर्फ दो ही चार्ज ने लिए, क्वेश्चन में तो बोला था बहुत सारा चार्ज Q1 Q2 Qn। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन के द्वारा क्या हो जाएगा, E1 के द्वारा उस P पॉइंट पे, फिर E2 के द्वारा, मतलब इस P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज हम रखें
तो हम सिर्फ दो ही चार्ज के द्वारा निकाल रहे हैं, हम और भी चार्ज ले सकते हैं। तो जितना चार्ज लेंगे उतना फील्ड होगा, सबको जोड़ दो, डॉट 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 ईएन कर दो, क्लियर सिंपल ये हो जाएगा। या ऐसा करो, या ऐसा करो, अगर हम क्यू एन चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पी पॉइंट पे, तो बताओ क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होता है 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 तो कॉमन ही रहेगा, 1/4 कॉमन ही रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा बोलो, अंदर क्या हो जाएगा, क्यू एन बाई आर एन पी का स्क्वायर, आर एन पी यूनिट वेक्टर, यही होगा, सिंपल आ गया आंसर। इसका एक और फॉर्म है लिखने का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन के द्वारा 1/4 समेशन i बराबर 1 से लेकर n तक, दो चार्ज है तो दो बार जोड़ो, तीन चार्ज है तो तीन बार, n चार्ज है तो n बार जोड़ो, ब्रैकेट में क्यू आई बाई आर आई पी का स्क्वायर और आर आई पी यूनिट वेक्टर, हो गया। ऐसे ये ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है, लिखने के लिए लिख देते हैं, जितना अच्छा से लिखोगे जितना डिटेल करोगे उतना अच्छा नंबर लिखेगा। मतलब ऐसा लिखो एग्जाम में कि चेक करने वाला बेबस हो जाए, नंबर काट नहीं पाए, 5 में 5 दे। राइटिंग अच्छा रखना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, साफ साफ लिखना है, कहीं घसना नहीं है, क्लियर। चलिए तो अब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन, बोला ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो देखिए क्या है, सो मान लो ये कोई प्लेट है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, टॉपिक वाइज है ना कि भैया इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से किस किस टॉपिक से कौन कौन ईयर में क्या पूछा गया। तो मान लो ये एक अनचार्ज प्लेट है, इसके नियर कोई प्लस चार्ज है, निगेटिव भी दे सकता था, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला ड्रॉ करने के लिए। तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट हो गया, ओके। हो गया क्वेश्चन ही ना, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, क्लियर, मतलब कंडक्टर है ये, या मेटालिक बॉडी है, अनचार्ज है, तो इससे क्या लेना देना। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकालता अपने चारों तरफ। आप सोचो अगर ये अगर चार्ज कंडक्टर दे देता तो क्या होता, चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे होता है, इसलिए अनचार्ज कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में चार्ज कंडक्टर कर देता तब थोड़ा चेंज हो जाता, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स गिरा है वो 90 डिग्री पे गिरना चाहिए, ये 90 डिग्री पे है नहीं है, क्लियर। अनचार्ज है तो कैसे भी गिराओ कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चार्ज रहता तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स गिरा है 90 डिग्री पे गिरता। अब घर पे सोचना कि अगर ये चार्ज होता तो कैसे लाइन्स ऑफ फोर्स को दिखाते, उसके लिए लेक्चर नंबर 19 देखो, जानते हो एकदम स्पेसिफिक लेक्चर हम बना दिए हैं, लेक्चर नंबर 19 सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लेक्चर नंबर 20 सिर्फ फ्लक्स, लेक्चर नंबर 21 उस पर क्वेश्चन, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाता है कंजर्वेटिव नेचर के कारण। अब डिटेल के लिए लेक्चर देखो तब ना मजा आएगा। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस क्यों नहीं करते हैं, 8वां क्वेश्चन है, क्योंकि दो लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे तो जहाँ पे क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है किसी पॉइंट पे, गलत हो जाएगा, इसलिए दो लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करते हैं। और इसी प्रकार बाबू डाइपोल पे क्वेश्चन है, बताओ डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स 0 होता है, टॉर्क पी साइन थीटा होता है, इसका भी स्पेशल लेक्चर बनाए हुए हैं। फिर फ्लक्स का क्वेश्चन है ना, गॉसस लॉ पे क्वेश्चन है, आप देखिए ना गॉसस लॉ पे स्पेशल हम आपको बना के दिए हैं, आपको गॉसस लॉ अच्छा करना है तो लेक्चर नंबर आप 22 देख लीजिए, लेक्चर नंबर 22 अच्छा करना है तो लेक्चर नंबर 20 कर लीजिए, क्योंकि फ्लक्स अच्छा रहेगा तो आपका गॉसस लॉ अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, कब क्या पूछा गया, कितने नंबर में पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया, क्लियर। और फिर ऐसा होगा, आप इसको आगे ट्राई कीजिए, आपका और हमारा हम सब का आदित्याज फिजिक्स क्लासेस में ये असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको ट्राई कीजिए, क्लियर। फिर हम
जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका भी एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे। और आप लोग का कमेंट आया कि नहीं सर इस पे और क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, इस असाइनमेंट का और सारा क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो हम इस पे एक लेक्चर और बनाएंगे। क्लियर? मतलब इसका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो आगे दिया हुआ है गॉसियस लॉ पे, हमको नहीं लगता है कि नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको हम लेक्चर दिए हैं और ताज़ा ताज़ा, ऐसा तो नहीं बहुत पहले पढ़ाए, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। ओके, तो अगर लेक्चर देख रहे हो मेरा पूरा तो एकदम एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम पूरा लैंग्वेज के साथ समझाए हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है। तो आपसे विनती है कि हमारी बात को सुने अपने भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग अब कसम खाएंगे कि 95% लाना है तो लाना है, उससे ज़्यादा हो कम ना हो, इसलिए ये चीज़ हम शुरू किए हैं। तो मिलते हैं फिर नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।